एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद है जी वाईटी फैमिली ठीक होगी। सो गाइस, मैंने जो है ना अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया सुबह से। मैंने कहा पूरे डे में जो भी रूटीन चलती रहेगी वो मैं जो हूँ आज अपने व्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पर जो है ना, उठ गई तो मैं थी अराउंड 9 o'clock, लेकिन मुझे बेड से निकलते निकलते तो ट्रेडमिल पर आते आते जो है ना 10 बज चुके थे। सो मैंने ट्रेडमिल किया अराउंड लाइक 20 मिनट्स, और उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह बनाया और जो रूटीन होती है घर के काम काज की वो भी मैंने शुरू कर दी थी। और ये जो है ना ट्रेडमिल कुछ तो 3-4 दिन हुए हैं खोली है, क्योंकि पैक थी और इसको खोलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। कि मैंने सोचा था कि इसको आराम से खोलेंगे, लेकिन फिर अचानक ही जो है फिर खोल ली, और फिर मैंने कहा चलो इस्तेमाल भी कर ली जाए। तो नाश्ते से डन होने के बाद जो है मेरा काम था कि आज जो है ना डाइनिंग पूरा साफ़ करना है, और धूल पड़ी जो है, हालांकि बंद होती है हर चीज़ दरवाज़े वगैरह, लेकिन फिर भी पता नहीं डस्ट कहाँ से आती इतनी। तो आज टेबल वगैरह सारा डाइनिंग साफ़ किया है, और कुशंस जो पड़े होते हैं ना चेयर पे तो वो थोड़ी जो उनकी उनको थोड़ा टाइड अप किया है यानी। तो उसके अलावा जो है काफ़ वैक्यूम करना था, वैक्यूम मेरा जो है ना ऑलमोस्ट साइड से कहीं टूट गया था, इस वजह से ये सही तरह से खड़ा नहीं होता और बार बार ये गिरता रहता है। खैर, मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, और अंदर से भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा गंद है इसके, तो इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा फुल हो जाता है ना गंद से तो फिर प्रॉपर ये जो है ना डस्ट वगैरह या गंद खींचता नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं आराम से इसको जो है ना वॉश तो फिर कभी करूँगी, लेकिन मैं इसको साफ़ एटलीस्ट कर देती हूँ ताकि जो ना ये वैक्यूम सही तरह हो। जब ये साफ़ हो जाता है ना तो फिर बहुत जल्दी जो है ना ये इतना ज़ोर भी नहीं लगाता डस्ट वगैरह खींचने में, और बड़ी जल्दी जो है ना आराम से वैक्यूम हो जाता है। तो बस मैं इसको जो है साफ़ कर लूँगी, और जगह जो है कम पड़ती जा रही है, चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं घर में, इस वजह से जो है ना कोई चीज़ कहाँ रखी होती है, कोई चीज़ कहाँ रखी है। तो अगर आपको अजीब से लग रही हो सर चीज़, तो मैं उसके लिए जो हूँ इग्नोर करें आप उसको सिंपली। सो बस अब इसको क्लीन कर लिया है। आज किचन में भी काफ़ी ज़्यादा काम है। इसके अलावा जो है मैंने अपना जो है फ्रिज छोटा उसको भी साफ़ करना है। यहाँ पर जो है देखिए मैंने वैक्यूम भी कर लिया और क्लीन तकरीबन हर चीज़ हो चुकी है। तो अब इसको जो है खोला है, छोटा ये फ्रिज है, इसको जो है 2-3 महीने से मैंने बंद किया हुआ था। तो आज मैंने जस्ट ऐसे ही ओपन किया ना तो काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी, उसके अलावा मुझे लग रहा था कि कहीं फंगस भी लग रही है, क्योंकि क्लीन तो मैंने बस थोड़ा बहुत कर लिया था, क्योंकि इधर कुछ रखती नहीं थी मैं फ्रिज में इतना ज़्यादा कुछ, तो इस वजह से भी मैंने कहा कि साफ़ ही है तो उसको इतना क्लीन नहीं करने की ज़रूरत। तो अब जो है मुझे लग रहा है कि मुझे प्रॉपर सारा क्लीन दोबारा से करना पड़ेगा, वरना फ्रिज जो है वो ख़राब हो जाएगा, और इस पर जो है ना फंगस भी लग सकती है, और इस्तेमाल के फिर जो है काबिल नहीं रहेगा। अच्छा, अगर फिलफर्ज अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स की या कुछ और चीज़ हो जाए तो वो ठीक नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि लेबर इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो बेहतर है कि हम नई चीज़ ले आए ताकि हम जो है उसको ठीक करवा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप कोई लेबर नहीं है। क्योंकि जैसे पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम इलेक्ट्रिक शॉप पर ले जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक टाइप चीज़ ठीक कर भी देते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो बिलफर्ज हमें चीज़ें फेंकनी पड़ती हैं या फिर नई ले आनी पड़ती हैं। अच्छा, मैं कल गई थी कुछ चीज़ें रिटर्न करवाने, तो मुझे ये केविन क्लाइन का जो है ना शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया। अक्सर जाती थी तो ये पड़े ही होते थे, सो मेरा कभी ध्यान ही नहीं पड़ा कि मैं इसको ना परचेज़ करूँ, मुझे लगा थोड़े से बोरिंग है, लेकिन कल मैंने इनको ट्राई किया तो ये बहुत अच्छे लगे मेरे पाँव में। और इस तरह के शूज़ जो है ना कलेक्शन में होने चाहिए, ताकि जो है ना हर वक्त आप शूज़ नहीं पहन सकते। सो इस तरह के शूज़ जो है ना बड़े कम्फर्टेबल भी रहते हैं, और थोड़े ओल्ड टाइप भी हैं। सो कलर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा, और इसके ऊपर जो है ना ब्रांड का नेम लिखा हुआ है सीके। सो सीके की ब्रांड जो है ना काफ़ी अच्छी है, और मेरे पास सीके का जो है ना एक पर्स है, और सेकंड जो है मैंने ये परचेस किए हैं इसके शूज़। कलर वाइज भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, और प्राइस भी मुझे अच्छी मिल गई थी, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहा, तो मैंने कहा शूज़ बाय कर लेना चाहिए। और विंटर भी है, तो विंटर में जो है ना आपके पाँव जो है कवर अप इस तरह के कैजुअल शूज़ में होना तो बड़े अच्छे लगते हैं, और हर वक्त आप जो हैं शूज़ या इस तरह के जो है ना मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि कभी कभी आप कैजुअल ड्रेसेस भी पहनते हैं तो उसके साथ भी काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरह
तरह के शूज़। तो अब आ गई हूँ जी मैं किचन में। अच्छा, जूसेस के लिए जो है ना, मैं ये गाजरें वगैरह लेकर आई थी, उसमें से कुछ ख़राब भी हो रही थी, तो मैंने कहा ख़राब होने से बेहतर है जब इसको जल्दी जल्दी फिनिश कर लिया जाए, और अब ये दो ही रहेगी। तो इसके अलावा जो है ना, अभी मुझे बर्तन वगैरह धोने हैं, लेकिन ये ब्रशेस जो है ना हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहते हैं, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही आजकल कि मैं इन मेकअप ब्रशेस को ना क्लीन भी कर लूँगा। ये इनको आई थिंक 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है कि यहाँ पर पड़े हुए हैं। चुटकी बजाइए तो देखिएगा काम हो जाएगा। खैर, इतनी जल्दी चुटकियों में तो काम होते ही नहीं है, लेकिन अभी मुझे जो है इस ड्रॉ में जो है इन यूटेंसिल्स का जो है ना रैग भी धोना है, और गंदा हुआ था काफ़ी, और जस्ट इसका ऊपर वाला रैग जो है ना मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि नीचे से जो है ना ये साफ़ ही है। सो इसलिए साफ़ करती हूँ कि आई डोंट नो ये क्यों अंदर से अचानक इतने जल्दी गंदा हो जाता है ना, कि जस्ट चीज़ें निकालने और रखने में ही जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा कि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो जैसे इसको वॉश कर लेंगे, और ये ऊपर से मेरे हाथ से गिर गई थी प्लेट, तो अब मैं जो हूँ इसको रिफ़िल करूँगी, क्योंकि ये भी जो है ना सोप ख़त्म होने वाला था, बल्कि ख़त्म हो चुका था प्रॉपर, तो अब मैं इसको नया वाला रिफ़िल लगाने वाली हूँ। सो अब धोएंगे फटाफट से बर्तन, और बर्तन जो हैं अब ये दो चार रह चुकी हैं। आज स्टोव की जो है ना वो भी बारी आ चुकी है साफ़ होने की। रेगुलर तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं स्प्रे लगाकर छोड़ दूँगी, और इसके जो ऊपर के रैक्स होते हैं उनको भी अच्छे तरीके से ना वॉश कर लूँगी। अच्छा, जब भी आप किसी भी अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं ना, तो वहाँ पर स्टोव और फ्रिज जो होता है ना वो ऑलरेडी वहाँ अपार्टमेंट वालों का ही होता है, आपने जैसे उनको इस्तेमाल करना होता है। लेकिन मुझसे पहले आई डोंट नो कितने लोग इस अपार्टमेंट में रह चुके हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने अगर स्टोव को जो है ना इस्तेमाल किया हो, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे तरीके से इनको रखूँ, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ डैमेज होती है तो उसको जो है ना आपने ही उसकी पैसे वगैरह जो है ना जब आप मूव होते हैं तो आपको देने पड़ते हैं। खैर, इसके अलावा जो है अब किचन मेरा प्रॉपर सारा क्लीन हो चुका है, और इस रैक को भी मैंने ना 2-3 दिन हो गए हैं साफ़ कर लिया था, इस पर नया पेपर वगैरह नीचे बिछाया था, और अब ये प्रॉपर मेरा सब जो है किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है। और अच्छा, बच्चों को जो है ना स्कूल से लॉन्ग वीकेंड की छुट्टियां थी, उनके वेंसडे को है था अर्ली स्कूल जो है उससे छुट्टी हो चुकी थी, उसके बाद फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे जो 4 छुट्टियाँ थी। सो आप जो है ये रूटीन आपको संडे की मैं आज दिखाऊंगी। तो आप ये जो है रैक ऑलमोस्ट जो है मैंने इसको वापस रखा है, और अब मैं चीज़ें वगैरह जो हूँ रखूँगी यूटेंसिल्स। रैक्स जो है ना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहते हैं, क्योंकि आपके जो चमचे और इस तरह की फोर्क्स नाइफ्स और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो दराज़ों में बिखरी होती हैं, तो इससे अच्छा है कि आप जो है इस तरह के रैक्स ज़रूर ड्रॉज में रखें, और इस तरह जो है आपकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी। चीज़ें बिखरी रहने से बेहतर है कि ज़रा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रहती हैं ड्रॉ में, और आपके लिए आसानी रहती है। ये इतना ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन कभी कभी इस तरह के रैक्स में स्पूंस वगैरह फोर्क नाइफ्स भी आते हैं, उसका सेट भी बना होता है, और कभी कभी ये इस तरह भी एक्स्ट्रा मिलते हैं अलहदा से, तो मैंने इसको अलहदा से ही बाय किया था, और यूटेंसिल्स मेरे पहले भी मौजूद थे, और फिर मैंने एक्स्ट्रा से भी लिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर ना आ जाती हैं, सो चीज़ें फिर ढूंढनी ही पड़ती। सो एक्स्ट्रा बच्चों से छुपाने के लिए जो है ना कुछ पीछे कोने में भी चीज़ें रखी होती हैं जो उनको अक्सर नज़र नहीं आती। तो अब मैंने जो है ना दोबारा से अब एंड द एंड ऑफ फ्रिज की बारी है, साफ तो कर लिया सारा, अब ड्राई भी होने के लिए ना मैंने उसको जो है ना ओपन इसका जो है ना डोर काफ़ी देर से किया हुआ था, ताकि और इसके अंदर जो रैक्स वगैरह भी रखे हुए थे ना वो मैंने जो है उनको भी वॉश कर लिया है, बस उसमें से पानी वगैरह ड्राई आउट होगा तो मैं उसको दोबारा से फिक्स कर लूँगी, और थोड़ी देर के लिए दोबारा से जो है ना उसका डोर खोल दूँगी, और जब ये प्रॉपर अंदर से ड्राई हो जाएगा ना तो फिर मैं इस फ्रिज को है बंद कर दूँगी। और साइड पर लॉक भी लगाया होता है, अक्सर बच्चे जो हैं वो लॉक्स जो है हर वक्त फ्रिज खोली रखती हैं और माएँ परेशान होती हैं, तो मैंने फ्रिज को लॉक भी लगाया हुआ है। उसके बाद जी अब मैंने लेनी है अपनी विटामिंस, और विटामिंस लेने के बाद जो है मुझे थोड़ा सा होमवर्क करवाना था अपने बेटे को, क्योंकि 4 दिन का पड़ा हुआ था इसका काफ़ी ज़्यादा होमवर्क, और संडे आज, तो मैंने कहा क्यों ना कल मंडे स्कूल खुल जाने हैं तो आप अपना होमवर्क भी कम्प्लीट कर लें। उसके बाद जो है वही रूटीन जो है सुबह से शाम तक, और अभी टाइम हो रहा था ऑलमोस्ट आई थिंक 4 o'clock हो चुके थे सारा काम करते करते, और अब बस मैं थक चुकी हूँ और बस टीवी वगैरह देख रही थी कि मेरी आज की फुल डे रूटीन जो मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। बस और जितने भी न्यू हैं जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।